सामना न्यूजचा स्पेशल रिपोर्ट। मालेगाव शहरात पदयात्रा घडामोडीवरती अखेर विद्यमान आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी केला खुलासा। राजधानी हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी, राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज। मालेगाव शहरात काही समाजकंटकांनी हिंदवी स्वराज्य स्वतंत्र दिन पदयात्रा म्हणजे शंखनाद पदयात्रेचे आयोजन केले असताना यावेळी माजी आमदार राष्ट्रवादीचे नेते असिफ शेख रशीद तसेच जनता दल सर्क्युलर पार्टीचे मुस्तिकीम डिग्निटी यांनी अशा देशद्रोही समाजकंटकांविरोधात संताप व्यक्त करत या पदयात्रेला विरोध दर्शवला होता। त्याच अनुषंगाने त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये देखील निवेदन दिले होते। या संदर्भातील संपूर्ण रिपोर्ट सामना न्यूज चॅनलने दाखवल्यानंतर या संपूर्ण घटनेवरती शांततेची भूमिका घेणारे विद्यमान आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी अखेर सामना न्यूज चॅनलला अधिक माहिती देत केलाय खुलासा। वृत्तसंकलन विभाग सामना न्यूज नाशिक। तरक्की के दुश्मन लोग हैं, वो इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि इस देश के अंदर जो है हिंदू रिवाजात को फरोग दिया जाए और इस देश को जो है हिंदू रिवायात का रंग दिया जाए। उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की वक्तन फवक्तन आवाज़ उठाई जाती रही है। और मालेगांव में गुज़िश्ता कल परसों में जो पंफलेट तकसीम किया गया और हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम जो मालेगांव से उठाया जा रहा है, इस तरह की आवाज़ दी गई है, ये बहुत दुख की बात है। और ये फ़िरका परस्ती है, नफ़रत का माहौल और फ़िरका वाराना माहौल पैदा करके इस देश की आज़ादी को सलब करने की और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए इस मुल्क को जो कानून, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी कमेटी ने जो 200 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल थी, जो दस्तूर दिया है, जो आईन दिया है, हम उसकी पासदारी करते हैं और इस संविधान और इस कानून को बाकी रखने की हर मुमकिन जद्दोजहद और कोशिश करेंगे। आज इस मुल्क के अंदर गिने चुने हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मुल्कों की अक्सरियत आज भी सेकुलर मिजाज रखती है और वो हिंदू राष्ट्र के ख़िलाफ़ है। हम तो इस तरह के मामले में जमीयत उलमा की जो पॉलिसी है वो ये कि हम अपने मज़हब के ऊपर पूरे इस्तेकामत के साथ, साबित कदमी के साथ जमे रहेंगे और अपने मज़हब के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। और इस मुल्क को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गैर मजहबी दस्तूर दिया है कि यहाँ की सरकार गैर मजहबी सरकार होगी और इस मुल्क में बसने वाले सभी लोगों को मज़हब के तई मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, इस दस्तूर की हिफाजत के लिए और इस दस्तूर की सियानत के लिए देश का हर मुसलमान और हर वो शख्स जो सेकुलर मिजाज रखता हो वो जद्दोजहद